नमस्ते, मैं आस्था जोशी और आप देख रहे हैं द लोक नीति। उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर, उनके भाई समेत 10 अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये FIR पीड़िता के चाचा ने दर्ज कराई है, जो कि अभी जेल में बंद हैं। रविवार को इस सड़क हादसे में बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की गंभीर रूप से घायल है। उसके सर पर चोटें आई हैं और मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। वहीं इस मामले के मुख्य गवाह यानी कि लड़की की चाची, मौसी और ड्राइवर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये मामला पिछले साल खूब चर्चा में रहा है, क्योंकि वो लड़की जब 16 साल की थी तब वो CM योगी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। तब उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद अप्रैल 2018 में योगी के घर के बाहर उसने आत्मदाह का प्रयास किया था। लड़की के पिता की मौत हो गई है। जी हाँ, लड़की के पिता की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो अपनी लड़की का केस लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी मौत बीजेपी विधायक के भाई द्वारा गंभीर रूप से पिटाई की गई, इससे उनकी मौत हो गई। सोमवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल पीड़िता का हाल जानने के लिए लखनऊ के KGMC पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि लड़की की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि लड़की के सर पर चोट आई है और मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। डॉक्टर्स ने उनको बताया कि लड़की का बचना मुश्किल है, लेकिन पत्रकारों के तीखे सवालों में उन्होंने कहा, पूरी रात में सो नहीं पाई, क्योंकि एक लड़की को धीरे धीरे मार दिया जाता है। पहले उसके परिजनों को निशाना बनाया जाता है, उसके बाद उसको निशाना बनाया जाता है। ये मामला सिर्फ उस लड़की का नहीं, यूपी का नहीं, दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे देश का मामला है। एक रेप पीड़िता के साथ कोई ऐसी हरकत होती है तो उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंजती है। अगर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर बच गया और वो लड़की मर गई तो ये पूरी निर्भयों के गालों पर तमाचा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।